एनआईसी कराची के तहत फेक न्यूज़ और एंटी स्टेट प्रोपेगेंडे पर ट्रेनिंग का इनेकाद। वजीर इत्तला तो नशरियात के प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सेंटर के तहत फेक न्यूज़ और रियासत के खिलाफ किए जाने वाले प्रोपेगेंडे को पहचानने के लिए टूल्स पर दो रोजा तरबियती वर्कशॉप 9 और 10 मई को कराची के निजी होटल में हुई। तो वो उसके लिए होता है कि अगले पार्टिसिपेंट जो दूसरे बैठे हुए होते हैं उनकी भी वो जो है तरबियती वर्कशॉप में कराची प्रेस क्लब के अरकान, मुतादे टीवी चैनल्स, अखबारात से वाबस्ता सहाफ़ी और मीडिया स्टडीज़ के तलबा ने शिरकत की। इलावा अजीज सूबे के दीगर शहरों से भी सहाफ़ियों और तलबा ऑनलाइन वर्कशॉप का हिस्सा बने। दो रोज़ा तरबियती वर्कशॉप में जिब्रान अशरफ ने ट्रेनर की खिदमात सर अंजाम दी। उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान सहाफ़ियों और तलबा को न सिर्फ फेक न्यूज़ और एंटी स्टेट प्रोपेगेंडे को पहचानने बल्कि सहाफ़ी इकदार और अखलाकियात से भी तरबियत फरहाम की। उन्होंने शिरका को फेक न्यूज़ और एंटी स्टेट प्रोपेगेंडे को पहचानने के जदीद टूल्स भी सिखाए। कराची प्रेस क्लब के सेक्रेटरी जनरल शुएब अहमद समेत दीगर अहम शख्सियात बतौर गेस्ट स्पीकर वर्कशॉप के शिरका को फेक न्यूज़ और रियासत के खिलाफ किए जाने वाले प्रोपेगेंडे को पहचानने के लिए टूल्स इस्तेमाल करने से मुतालिक आगाही दी। वर्कशॉप के दूसरे रोज PID की DGPR मैडम इरम तनवीर ने ट्रेनर, गेस्ट स्पीकर्स और तरबियत हासिल करने वाले सहाफ़ियों और तलबा को सर्टिफिकेट्स दिए। प्रोग्राम तो बहुत अच्छा था, जैसे सिर्फ ये सहाफ़ियों के लिए किया गया, मैं समझता हूँ हमें यूथ के लिए भी करना चाहिए कि फेक न्यूज़ ज़्यादातर जो है हमारी पब्लिक से रिलेटेड है, पब्लिक से जो नौजवान इसके हाथ में मोबाइल है वो समझता है अपने आप को सहाफ़ी और वो अपलोड कर रहा था, सही है नहीं है खबर ये नहीं देखता, वो अपलोड कर देता है, उसके पीछे पैनिक क्रिएट हो जाता है, 10 मास्क बनते हैं। तो हमें चाहिए कि जो मास्कों के बच्चे हैं उसके साथ यूनिवर्सिटी में जो तलबा तलबात हैं उनको हम इसकी अवेयरनेस दें। जनाब ये बड़ी मुफीद वर्कशॉप थी और देखें यहाँ इस वर्कशॉप में जहाँ सीनियर सहाफ़ियों ने शिरकत की है वहाँ जूनियर सहाफ़ियों ने और एंकर पर्सन ने शिरकत की है और इससे जो एक बात जो बड़ी ज़बरदस्त हुई है वो ये है कि जो सीनियर्स हजरात शरीक थे यहाँ पे जो शुरका थे जिनके सहाफत में 30 साल से ज़्यादा तजर्बा थे उससे जूनियर्स मुस्तफीद हुए और जो जूनियर्स थे उनकी राय से जो है वो आगाह हुए और उनकी राय मालूम हुई सीनियर्स को और उन्होंने उनकी इसलाह भी की और बड़ा ज़बरदस्त बहस मुबाहसा हुआ और मैं समझता हूँ कि इस तरह की वर्कशॉप जो है वो ज़रूरी है और वक्त की ज़रूरत है और जिस तरह से जो मीडिया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है प्रिंट मीडिया है खबर रसा एजेंसीज हैं और फिर जो सोशल मीडिया आई है तो इस तनाजुर में इस किस्म की वर्कशॉप्स का होना बहुत ज़रूरी है और बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव। दो दिनों में हमने फेक न्यूज़ और फैक्ट चेकिंग के हवाले से ये पढ़ा और हमने ये जाना कि फेक न्यूज़ क्या है, क्यों फैलती है, किस हवाले से फैलती है और फेक आज की जो दुनिया है वो उसमें ना सिर्फ फेक न्यूज़ है बल्कि अब मामला फेक न्यूज़ से भी आगे बढ़ के एक ज़्यादा बड़े मसले तब्दील हो चुकी हैं जिसका नाम है इंफॉर्मेशन डिसऑर्डर। तो उसके क्या क्या पहलू हैं, उसमें मिस इन्फॉर्मेशन आता है, उसमें डिस इन्फॉर्मेशन आता है, उसमें मैल इन्फॉर्मेशन आता है और तीनों में जो बुनियादी फ़र्क ये है कि कौन सी खबर जो है वो गलती से चली जाती है और नुकसान करती है और कौन सी खबर जो है वो जानबूझ के उसको घुमा के और उसमें झूठ भर के इसलिए फैलाइए ताकि वो लोगों को नुकसान पहुँचे। ये PIC की तरफ से जो है जो वर्कशॉप हुई है यकीनन ये बहुत अच्छी है, इससे सहाफ़ियों की ना सिर्फ स्किल डेवलपमेंट हुई है बल्कि बहुत अच्छा मौका मिला सीखने का और उनकी जो सलाहियत है वो मज़ीद निखर कर आएंगी। तो मेरा तो ख्याल है कि इस तरह का इनको PIC को ये सिलसिला जारी रखना चाहिए जिससे तकरीबन ये हमें सहाफ़ियों को बहुत अच्छा मौका मिलता है सीखने का और इनसे मजीद जो है ऐसी वर्कशॉपों का इनकाद बहुत ज़रूरी। अस्सलाम वालेकुम, मैं सादिया उबैद खान, मैं PIC की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस इवेंट के लिए बुलाया और इससे पहले भी इनके इवेंट्स होते रहे हैं सहाफ़ियों के लिए, सहाफ़ियों की तरबियत के लिए। ये बहुत खुश आइंदा है कि वो सहाफ़ियों को याद रखते हैं उनकी तरबियत के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए और इस तरह की वर्कशॉप्स बहुत ज़रूरी हैं
ताकि वक्तन फवक्तन होने वाली चीज़ों को अपडेट किया जा सके और हमारी सलाहियतों को निखारा जा सके। याद रहे कि पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सेंटर अब तक मुल्क भर में 11,000 के करीब सहाफियों, तलबा और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को तरबियत फरहम कर चुका है और पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सेंटर चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद में सहाफियों को तरबियत फरहम करता है।